हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिले लॉजिक क्या होती है और हम रिले से डिफरेंट लॉजिक कैसे बना सकते हैं, रिले का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ओपन और क्लोज कॉन्टेक्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम रिले को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज कर सकते हैं, और रिले की जो कॉन्टेक्ट के टाइप से कितनी एक्साम होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंचता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये स्क्रीन पर आपको एक रिले नजर आ रही है जिसमें इसके तीन कॉन्टेक्ट हैं, एक कॉमन कॉन्टेक्ट है, एक एन सी कॉन्टेक्ट है और एक एन ओ कॉन्टेक्ट है। तो ये जो इसका कॉमन कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली कॉमन कॉन्टेक्ट है एन सी कॉन्टेक्ट के साथ में जुड़ा होता है और सप्लाई जो है कॉमन कॉन्टेक्ट से एन सी कॉन्टेक्ट में जाती है। जब हमारी रिले एनर्जाइज होती है तो हमारा जो कॉमन कॉन्टेक्ट है ये एन ओ कॉन्टेक्ट के साथ में जुड़ जाता है और सप्लाई जो है कॉमन कॉन्टेक्ट से एन ओ कॉन्टेक्ट के दरमियान में पास होती है। ये सब चीज़ें तो आप रिले की बेसिक्स में सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रिले लॉजिक्स क्या होती है और रिले हमारी जो है ये किस लॉजिक की बेस के ऊपर काम करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पानी का टैंक है तो हम चाहते हैं कि जब हमारे पानी के टैंक का लेवल हाई हो तो हमारा जो बूस्टर पंप है या जो वाटर पंप है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे एक रिले लगाएंगे, हमारे कॉन्टेक्टर से पहले एक रिले लगाएंगे जो हमारी मोटर के कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेगा। तो उस रिले को सिग्नल हम कहाँ से देंगे, पानी के टैंक के अंदर हम एक लेवल स्विच डालेंगे। जो ही हमारे पानी के टैंक का लेवल हाई होगा तो वो हाई लेवल का जो स्विच है, जो फ्लोट स्विच है, वो हमारी रिले के जो कॉयल है उसको सप्लाई देगा और हमारी रिले की जो कॉयल है, ये वाली कॉयल, ये एनर्जाइज हो जाएगी। तो हमारी रिले की कॉयल जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये जो कॉमन कॉन्टेक्ट है ये एन सी से एन ओ में चेंज हो जाएगा और हमारी जो सप्लाई है वो एन ओ से पास होनी स्टार्ट हो जाएगी और एन ओ से हम अपने पंप के कॉन्टेक्टर को सप्लाई देंगे और हमारे जो पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है, इसमें हमारे रिले का वर्किंग का जो लॉजिक है वो क्या है, हमारा जो टैंक है उसका लेवल, मींस जब लेवल हाई होगा तो हमारी रिले उस टाइम में वर्क करेगी और जब लेवल लो होगा तो हमारी रिले उस टाइम में डी एनर्जाइज हो जाएगी। ये हमारी रिले का लॉजिक है। इस तरह की छोटी छोटी लॉजिक्स को मिला के हम बड़ी बड़ी लॉजिक्स तैयार करते हैं जो हम डिफरेंट ऑटोमेशन प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में और होम अप्लायंसेस में भी।